Welcome dear students, myself Daisy ma'am, and today we are going to continue with the columnar epithelium cell. Columnar epithelium cell हम already पढ़ चुके हैं, उसका modification हम पढ़ने जा रहे हैं कि उसमें क्या क्या modification होते हैं. So here we can start with this topic. Modification of columnar epithelium में first हम पढ़ेंगे ciliated epithelium. Ciliated epithelium is a modified columnar epithelium having cilia at their free end. तो ये कॉलमनार एपिथीलियम का मॉडिफिकेशन होता है और कॉलमनार एपिथीलियम का जो सरफेस होता है वहाँ पे सीलिया यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो हो जाते हैं और उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को सीलिया बोला जाता है. तो प्लूरल इनको सीलिया बोला जाता है और सिंगुलर फॉर्म इनको सीलियम बोला जाता है. तो ये वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं तब इस मॉडिफिकेशन को हम सीलिएटेड बोलते हैं, यानी कि सीलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम इनको बोला जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ सीलिया ऑन द सर्फेस. तो ये जो सीलिया ग्रो करते हैं इनके फ्री सरफेस पे ग्रो करते हैं. तो हम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे सीलिएटेड एपिथीलियम का डायग्राम. तो इसकी जो फ्री एंड है उसकी तरफ आप देखेंगे कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का फिगर बना हुआ है, यहाँ पे लेबलिंग भी किया हुआ है. तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को सीलिया बोला जाता है. ये वाले जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज नोन एज सीलिया, और इसकी वजह से ही इसको सीलिएटेड एपिथीलियम बोला जाता है. और ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल एलोंगेटेड है, बिल्कुल वही कॉलमनार एपिथीलियम सेल है, बस इसमें क्योंकि सीलिया ग्रो हो गए हैं, मॉडिफाई होकर यहाँ पे सीलिया का ग्रोथ दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको सीलिएटेड एपिथीलियम बोला जाता है. इसका लोकेशन क्या है और फंक्शन क्या है? सीलिएटेड एपिथीलियम लाइंस द नेसल पैसेजेस. तो आपकी नोज का जो पैसेज है ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके थ्रॉट एरिया में जो ट्रैकिया होता है ठीक है वहाँ प्रेजेंट होते हैं, फिर ओविडेकल फनल्स में होते हैं, ओविडक के पार्ट्स में होते हैं, और यूनिफेरस टिब्यूल्स जो कि किडनी के अंदर होते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. सीलिया मूव इन रिदमिक फैशन मेकिंग द सब्सटेंसेस टू मूव. ये सीलिया जो है ये एक साथ मूव करते हैं और एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे सारे सीलिया एक साथ मूव करेंगे. तो इस तरह का जो रिदमिक फैशन का इनका मूवमेंट होता है इससे सब्सटेंसेस मूव करते हैं ठीक है. सो वट एवर सब्सटेंसेस जो भी सब्सटेंसेस पास होते हैं इन जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं नेसल पैसेज ट्रैकिया, तो इन पैसेज से इनमें जो पैसेजेस होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स जो मूव करते हैं वो इन्हीं सीलिया के रिदमिक कंट्रैक्शन और रिदमिक मूवमेंट की वजह से होता है राइट. देन सेकेंड टाइप है ग्लैंडुलर एपिथीलियम. ग्लैंडुलर एपिथीलियम भी कॉलमनार एपिथीलियम का मॉडिफिकेशन है, और इसमें क्या होता है कि सेल्स अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि वो कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, तो उनके अंदर सिक्रीशन का प्रोसेस डेवलप हो जाता है. नाउ वी विल सी लोकेशन एंड फंक्शन, कहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथीलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है. तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि ये मॉडिफाई हो जाते हैं और सिक्रीट करते हैं सर्टेन सब्सटेंसेस को, इसका मतलब इनका फंक्शन क्या हुआ, सिक्रीशन का फंक्शन हुआ. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं ठीक है, और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स में होंगे, टीयर ग्लैंड्स में होंगे, और इसी तरह के जो और सिक्रीटरी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होकर और सिक्रीशन के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं. तो ये डायग्राम आपका ग्लैंडुलर एपिथीलियम का है, और आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे गॉबलेट सेल करके एक लेबलिंग दिखा हुआ है. गॉबलेट सेल मतलब होता है कि अगर कोई एक सेल ठीक है एक सेल जो है वो सिक्रीशन का काम करता है तो उसको यूनिसेलुलर ग्लैंड बोला जाता है या फिर गॉबलेट सेल बोला जाता है. तो ये वही गॉबलेट सेल का लेबलिंग है, और ये गॉबलेट सेल होते हैं एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग में ठीक है. ये म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग होती है उसमें ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको गॉबलेट बोला जाता है क्योंकि ये सिंगल सेल हैं और ये सिक्रेशन का काम कर रहे हैं, तो इनको यूनिसेलुलर ग्लैंड्स या फिर गॉबलेट सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है. यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, द ग्लैंड सेल्स मे अकर एज यूनिसेलुलर ग्लैंड्स ठीक है. तो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स के फॉर्म में अकर हो सकते हैं जो कि गॉबलेट सेल्स हैं, और मे कॉन्ग्रीगेट टू फॉर्म मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, और इकट्ठे हो सकते हैं एक साथ, ये कंबाइन होकर एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड की तरह भी काम कर सकते हैं, जिसके एग्जांपल हैं स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स जिनको ऑयल ग्लैंड्स भी बोला जाता है जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होती है, सेलिवरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स. तो इस तरह की जो ग्लैंड्स होते हैं इसमें ये सेल्स एक ग्रुप के फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि ये एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स के फॉर्म में रहते हैं और वहाँ से ये सिक्रेशन का परफॉर्म फंक्शन परफॉर्म करते हैं.
सेंसरी इपिथीलियम, सेंसरी से मतलब रिलेटेड टू सेंस ऑर्गन, सो नाम से हमको आइडिया मिलता है कि ये सेल्स के अंदर क्या हो सकता है या ये किससे कनेक्टेड है। ये भी कॉलमनार एपिथीलियम को मॉडिफिकेशन है और ये मॉडिफाई हो जाता है, और इस और इन सेल्स के बीच में सेंसरी सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये कॉलमनार एपिथीलियम मॉडिफाई हो जाएगा और उसके बीच में सेंसरी सेल्स का डेवलपमेंट हो जाएगा या उसमें सेंसरी सेल का मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो ये कहाँ पर होगा, और बिटवीन द कॉलमनार सेल्स के बीच में होगा। और जो इस सेंसरी सेल की जो फ्री एंड है, यानी कि ऊपर की तरफ अगर हम देखें सरफेस की तरफ में, ये सपोर्टिंग हेयर के फॉर्म में ये निकले रहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखाऊंगी, यहाँ पे देखिए आप सेंसरी एपिथीलियम का बीच में जो है सेंसरी सेल्स हैं और ये साथ में इनके सपोर्टिंग सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो सेंसरी सेल्स के ऊपर अगर आप देखेंगे, सरफेस पे अगर आप देखेंगे, तो यू विल एबल टू सी द सेंसरी हेयर्स, ये आपको दिखाई दे रहे हैं सेंसरी हेयर्स, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। और ये नीचे की तरफ आप देखेंगे नर्व फाइबर्स हैं, क्योंकि सेंसरी सेल्स हैं तो इसके अंदर नर्व फाइबर्स होंगे ही, ऑब्वियसली होंगे, तो यहाँ पे नर्व फाइबर्स अटैच हैं। और क्योंकि ये सेंसरी सेल्स हैं तो इसका मतलब है कि इनका कनेक्शन किससे होगा, राइट। सो हम देखेंगे इसका लोकेशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है। सेंसरी एपिथीलियम सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, टंग के अंदर टेस्ट बड में प्रेजेंट होंगे, ईयर्स की में जो ऑडिटरी एपिथीलियम है वहाँ प्रेजेंट होंगे, नेसल चैम्बर में और ऑल्फैक्टरी सेक्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो सेंसरी एपिथीलियम जो है वो एक्सटर्नल चेंजेस को पिकअप करते हैं, इन्वायरमेंट में जो भी एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं उनको पिकअप करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो ये काम सेंसरी एपिथीलियम का होता है। सो दीज आर ऑल द मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार एपिथीलियम सेल। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सिंपल एपिथीलियम पढ़ रहे थे जिसमें सिर्फ सिंगल लेयर होती है एपिथीलियम की, जिसमें हमने स्क्वैमस एपिथीलियम पढ़ा, क्यूबॉइडल एपिथीलियम पढ़ा, कॉलमनार एपिथीलियम पढ़ा और उसकी मॉडिफिकेशन पढ़ी। अब हम सेकेंड कैटेगरी में पढ़ रहे हैं जिसके अंदर एपिथीलियम की बहुत सारी लेयर्स होती है, तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम बोलते हैं, राइट। सो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम इज फॉर्म्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ एपिथीलियल सेल्स। सो एपिथीलियल सेल्स की बहुत सारी लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। इट्स अपर लेयर्स आर फॉर्म्ड ऑफ डेड स्क्वैमस एपिथीलियल सेल्स। तो ये जो सेवरल लेयर्स हैं इनकी, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो डेड सेल्स की बनी होती है, यानी कि डेड स्क्वैमस एपिथीलियम सेल्स की। स्क्वैमस सेल्स मैंने आपको बताया था कि फ्लैट सेल्स होते हैं। सो इसका लोकेशन क्या होगा और फंक्शन क्या होगा, ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं और ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। इनके सेल्स जो होते हैं वो टफ होते हैं, इसीलिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ये बॉडी को। लोकेशन एंड फंक्शन, इट इज फाउंड इन स्किन, ओरल कैविटी एक्सेट्रा। तो ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं और ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। टफ सेल्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इनके जो टफ सेल्स होते हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये फंक्शन हो गया। ये एग्जाम्पल है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी लेयर्स इसमें बनी हुई हैं। एपिथीलियम में कितनी लेयर्स हैं, 1, 2, 3 लेयर्स हैं, और यहाँ से लेके और यहाँ तक ये आपका ये सरफेस लेयर है जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस सेल से बनी हुई है, जो कि डेड सेल्स हैं, राइट। सो ये आपका एग्जाम्पल हो गया और डायग्राम हो गया स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम का। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यूज़ कौन से हैं वो पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।